तो जय हिंद होल, कैसे आप सब दोस्त? मैं उम्मीद करूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, फाइनली आप सबके लिए खुशखबरी आ चुकी है मेरे भाइयों के लिए। ये खुशखबरी ओनली मेरे भाइयों के लिए है, मेरी बहनों के लिए नहीं रहेगी, ठीक है? क्योंकि भाई आपकी जो वैकेंसीज हैं IITBP ड्राइवर की हैं, और ड्राइवर में गर्ल्स नहीं जा सकती हैं, ठीक है? तो भाई यहाँ पे भाई हम बात करने वाले हैं IITBP ड्राइवर के रिगार्डिंग बात करेंगे। फुल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, बहुत सारा कमेंट्स रहता है कि सर हमारा एज लिमिट क्या चाहिए इसमें, और सर लाइसेंस सर कितना पुराना होना चाहिए, सर हमारे पास लाइट लाइसेंस है, सर हमारे पास HMV नहीं है, क्या सर मेरा काम चल सकता है, उसके रिगार्डिंग बात करूँगा, कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करूँगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप दोस्तों फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है आगे की न्यू अपडेट्स के लिए। अगर आप भाई भर्ती होना चाहते हो ड्राइवर में, सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो भाई वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको साइट के ऊपर आके आपको भाई नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो भाई मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए भाई, यहाँ पे नीचे डाउनलोड हो रहा है नोटिफिकेशन अपना। ये मेरे पास ऑलरेडी पहले भी था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार और। कोई दिक्कत नहीं भाई, घर की सरकार है ना, तो इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं दोबारा से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर 2024। और भाई जो आपके ऑनलाइन स्टार्टेड हैं, 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट आपके हो जाएंगे। जो लास्ट डेट है आपकी 6 नवंबर है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, देन आपकी जो साइट है काफ़ी एरर इसमें आता रहता है, और काफ़ी ज़्यादा स्लो साइट हो जाती है, कुछ कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो आप पहले अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। बात करूँ वैकेंसीज के बारे में, 545 टोटल पोस्ट हैं। वैकेंसीज फॉर मेल ओनली, फीमेल का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। 209 पोस्ट आपकी UR में है, SC में 77 है, ST में 40 वैकेंसी हैं, OBC में 164 हैं, और EWS में 55 पोस्ट हैं आपकी। तो भाई वैकेंसीज बहुत ही मस्त हैं दोस्तों, इतनी अच्छी वैकेंसीज शायद ही मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैं इतनी ज़्यादा वैकेंसीज IITBP ड्राइवर में आज तक ना कभी आई हैं, ना शायद आएंगी, ठीक है? तो भाई आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, मैं आपके फुल सपोर्ट में हूँ। कुछ भी आपको डाउट आता है कि सर मेरे सर ये प्रॉब्लम है, सर मेरा ये मेडिकल पॉइंट है, सर मेरी ये दिक्कत है, मैं आपकी हर एक परेशानी का सोल्यूशन आपको दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप आ गए हो मेरे चैनल एक्सपर्ट नॉलेज पे, आपको फुल जानकारी मिलेगी हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है? तो गाइस बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपके लाइसेंस के रिगार्डिंग बात करूँगा मैं। बहुत सारा कमेंट रहता है कि सर लाइसेंस सर कौन सा चाहिए, सर मेरे पास HMV है, सर मेरे पास हैवी है, ये है, ये फलाना ढकाना, आपकी बहुत सारी बातें होती हैं भाई, है ना? तो उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं जी। तो गाइस यहाँ पे देखिए, आप इन्होंने क्या लिखा है, कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस ए वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। तो भाई जो आपकी डेट है, लास्ट डेट कौन सी है आपकी, 6 नवंबर। 6 नवंबर से पहले का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है, अदरवाइज आप भर्ती से बाहर हो। कहीं कुछ सोचें कि भाई मैं सर फॉर्म अप्लाई करने के बाद मैं सर 7 नवंबर को बनवा लेता हूँ, सर मैं 8 नवंबर को बनवा लेता हूँ, सर मैं 10 नवंबर को बनवा लेता हूँ, सर मैं 12 दिसंबर को बनवा लेता हूँ, सर मैं 2025 में बनवा लूँगा, सर ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई। यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग डेट से पहले का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज यू आर रिजेक्टेड, ध्यान दीजिएगा, ओके? फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट हु अप्लाई विद नॉन हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास भाई लाइट लाइसेंस है, ठीक है, लाइट जो होता है उसके बाद आपका हैवी बनता है, तो भाई आप यहाँ पे इजिबल नहीं हो, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है, आपको भाई डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर देंगे, ठीक है? आपको पता है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें होता है भाई, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच होता है, आपको इसमें बाहर कर देंगे, और फिर आपसे कुछ भी ये नहीं कि आपसे बात करेंगे या आपकी बात मानेंगे, ऐसा कुछ सीन नहीं भाई। एक बार आप बाहर हो तो बाहर हो, फिर आप चाहे प्राइम मिनिस्टर को बैठा देना तब भी काम नहीं चलेगा, है ना? तो प्लीज अपना भाई डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी रखना है। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। यहाँ पे बात करता हूँ भाई एज के बारे में, एज का बहुत मैटर रहता है भाई। आपकी एज लिमिट जो है 21 से 27 साल होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हो प्लस आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, यू आर एलिजिबल, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बात करूँ यहाँ पे एज में भाई आपकी लिमिट्स के रिगार्डिंग, 6/11/2024 से आपकी एज यहाँ पे मापी जाएगी। और जो आपका भाई डेट ऑफ बर्थ है, ध्यान दीजिएगा, 6/11/2003 से आपका भाई, उससे मतलब कि ये है कि पहले का आपका जो मतलब बर्थडे है चल जाएगा, लेकिन उसके बाद का आपका बर्थडे नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आपका 7/12/2003 का बर्थडे नहीं होना चाहिए, 2004 में आप मतलब कि नहीं होने चाहिए, फिर आप और छोटे हो जाओगे, ठीक है? मतलब इन्होंने भाई जो भी इन्होंने भाई यहाँ पे एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा है, इसी के यहाँ पे बीच में होने चाहिए।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अर्लियर देन 7/11/97 से लेके 6/11/2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यू आर एलिजिबल। और एससी एसटी को 5 साल की छूट है यहाँ पे, ओबीसी को 3 साल की छूट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो भाई जो आपका एज का क्राइटेरिया है यही है यहाँ पे 7/11/1997 से लेके 6/11/2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ओके दोस्तों, फिर भी कुछ आपका डाउट बचता है इस भर्ती के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर आपको प्रॉपरली समझना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि सर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए सर, और फिजिकल के रिगार्डिंग और सर हमारे पेपर के रिगार्डिंग कैसे क्या स्टडी करनी है उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आपको चैनल सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद।